ज्यादातर ब्लॉगर्स इस बात को लेकर के टेंशन में रहते हैं कि अगर उन्होंने मेहनत करके एक ब्लॉग बना लिया और उसके बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल अगर नहीं मिला तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी और वो अपने ब्लॉग से पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो गाइज, ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ गूगल एडसेंस ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट से, अपने ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे ही एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके साथ मैंने काफी लंबे समय तक काम किया है और मैंने काफी पैसे भी कमाए हैं। इन एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स को आप अपने ब्लॉग पर गूगल एडसेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं और अपनी इनकम को आप डबल कर सकते हैं। और अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तब भी आप इन एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स को अपने ब्लॉग पर यूज करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नेटिव एडवर्टाइजिंग नेटवर्क। इसके साथ मैंने काफी लंबे समय काम किया है। ये एक नेटिव एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है, मतलब कि जब आप इसके एड्स को अपनी वेबसाइट पर प्लेस करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एड्स आपकी वेबसाइट का पार्ट है और उस पर ज्यादा क्लिक्स आते हैं तो आपकी अर्निंग्स भी ज्यादा होती है। एड नाउ 114 कंट्रीज में काम कर रहा है। इसके साथ 1700 एडवर्टाइजर्स जुड़े हुए हैं और इसके साथ 160,000 पब्लिशर्स जुड़े हुए हैं। दूसरा है एडस्टेरा। ये भी काफी अच्छा नेटवर्क है और इसके साथ भी मैंने काफी लंबे समय काम किया है और इससे भी मैंने काफी पैसे कमाए हैं। ये भी काफी बड़ा एड नेटवर्क है जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करके आपको इनकम प्रूफ दिखा देता हूँ, जैसे कि एड नाउ। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने पब्लिशर अकाउंट में। सबमिट, यहाँ बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस महीने में मैंने कितना अमाउंट लिया है। इसमें $288 भी लिए हैं और साथ ही नीचे आप देखेंगे $128 भी लिए हैं और इसमें $312 भी मैंने लिए हैं। तो टोटल मैंने इससे जो पेमेंट लिया है वो है $2221 का। अगर $2221 को INR में कन्वर्ट किया जाए तो ये ₹1,64,000 बनते हैं। तो मैंने अपने ब्लॉग पर एड नाउ के एड्स लगाकर ₹1,64,000 से ज्यादा कमा लिए हैं, जो कि सक्सेसफुली मेरे बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो चुके हैं। आप यहाँ स्टेटस देख सकते हैं, हर महीने का स्टेटस है पेड। दूसरा है एडस्टेरा। इसका भी मैं आपको अर्निंग प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं साइन इन कर लेता हूँ एज ए पब्लिशर, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर साइन इन करूंगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार मैंने $100 का इससे पेमेंट लिया था, दूसरी बार भी $100 का पेमेंट लिया था, तो इससे मैं टोटल $200 का पेमेंट ले चुका हूँ। आप यहाँ PDF भी इसकी देख सकते हैं। ये बिल्कुल लाइव है, ये मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं और पर्सनल अर्निंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये जेन्यून नेटवर्क्स हैं और आप अपने ब्लॉग के थ्रू इनसे पैसे कमा सकते हैं। अब ये तो हुआ अर्निंग प्रूफ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने ब्लॉग पर इसको यूज कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको एड नाउ दिखाता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप मोनेटाइज ट्रैफिक पर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाइए गेट स्टार्टेड। इसमें यहाँ पर आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, लैंग्वेज, पासवर्ड चूज करना है। अगर आपकी कोई स्काइपी आईडी है तो वो भी आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज में आपको अपने ब्लॉग की लैंग्वेज डालनी होगी। अगर आपका ब्लॉग है हिंदी लैंग्वेज में तो आप यहाँ पर हिंदी डालेंगे। इसके बाद सबमिट, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी होगी, उसमें एक लिंक सेंड किया गया है। इस तरीके से आपको एक ईमेल मिल जाएगा, इसमें आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर सबमिट करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट ऐड करनी होगी, जिसके लिए आप ऐड साइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप वेबसाइट का नाम डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ ईशान ब्लॉग। इसके बाद वेबसाइट का एड्रेस आपको यहां पर डालना होगा, तो ये हमारी वेबसाइट है, इसको मैं यहां से कॉपी करके डाल दूंगा। वेबसाइट की लैंग्वेज है, इसमें मैं डाल देता हूं हिंदी। वेबसाइट का ट्रैफिक यहां पर चूज कर लेंगे, आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आता है। जैसे कि मेरे इस ब्लॉग पर 5,000 से 10,000 का ट्रैफिक हर महीने आ जाता है, तो यहां पर मैं 5 से 10 के बीच में चूज करूंगा। इसके बाद ऐड, इसके बाद इसकी टर्म्स आपके सामने आ जाएंगी, आप रीड करेंगे। ओके, आपकी वेबसाइट ऐड हो चुकी है। आप यहां साइट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी।
आप इसमें एक से ज्यादा वेबसाइट्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये अंडर अप्रूवल है, लेकिन जल्दी ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा। एड नाउ और एडस्टेरा में आपको अप्रूवल मिल ही जाता है, तो यहाँ पर आप इसमें एड्स प्लेस कर सकते हैं। एड्स प्लेस करने के लिए आप यहाँ विजेट्स पर क्लिक करेंगे, नेटिव एड्स इसमें मिलते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के साथ ही एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर साइट का नाम चूज कर लेंगे, अगर आपने एक से ज्यादा साइट्स ऐड की हुई है तो आप उसमें सिलेक्ट करेंगे किस पर आप ये विजेट ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद एड ए विजेट। अब यहाँ सबसे पहले विजेट टाइप है, इसमें आप चूज कर लीजिए आप सिर्फ मोबाइल के लिए चाहते हैं या पीसी के लिए या फिर दोनों के लिए, तो यहाँ पर हम दोनों पर टिक रखेंगे। इसके बाद है विजेट सेटिंग, यहाँ पर आप विजेट का नाम डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ईशान ब्लॉग। इसमें यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एनिमेटेड एड्स और एडॉप्टिव ब्लॉग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एनिमेटेड एड है, इसमें ज्यादा अर्निंग्स होती है। अगर आपको ये नहीं रखने अपनी साइट पर तो आप अनचेक कर दीजिए, देखिए गायब हो जाएंगे, और अगर आपको रखने हैं तो आप इसको टिक रखेंगे। इसके बाद है नंबर ऑफ क्रिएटिव एलिमेंट्स इन द विजेट, एक विजेट में आपको कितने एड्स रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का रहेगा आपका विजेट, तो इसमें अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो आप जितने भी कम या ज्यादा करना चाहते हैं आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 2 रोज रखनी है तो यहाँ पर 2 चूज करेंगे, 1 रो रखनी है तो 1 चूज करेंगे, इस तरीके से। इसके बाद है कॉलम्स, आपको कितने कॉलम्स रखने हैं, जैसे कि अभी 3 है तो आप यहाँ से 5, 6 कितने भी चूज कर सकते हैं इस तरीके से। ये तो एज ए ग्रिड है, अगर आप चाहें तो इसको सिंगल टीजर भी रख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ग्रिड रखें जिसमें काफी सारे टीजर्स ऐड हो जाएंगे। इसके बाद टीजर टैग्स, यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं, इसमें आप कौन सा टैग्स रखना चाहते हैं अपने एड्स में, उनका क्या कलर रखना चाहते हैं, टेक्स्ट को आप कहाँ रखना चाहते हैं, ये सब कुछ यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद है टीजर बैकग्राउंड, ये जो एड है इसका बैकग्राउंड आपको कैसे रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब इमेज में आ जाते हैं, इमेज का आपको क्या साइज रखना है वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई फ्रेम रखना है तो आप यहां से फ्रेम भी चूज कर सकते हैं, कितने पिक्सल का आपको फ्रेम रखना है। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका ये टीजर सेव हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपकी वेबसाइट पर इस तरीके से एड शो होगा। अब कोड कॉपी करने के लिए आप यहां HTML कोड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कोड आ जाएगा। अब यहां पर आपको 2 कोड मिलते हैं, इसमें जो दूसरा वाला कोड है ये आपको रखना होता है HTML टैग में, और जो पहला वाला कोड है ये आपको रखना होता है जहां पर भी आपको एड शो करना है। चलिए मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखा देता हूं, जैसे कि ये हमारा ब्लॉग है। अब इसमें मुझे ये एड नाउ का एड रखना है अपने पोस्ट के नीचे, जैसे कि ये मेरा पोस्ट है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैं चाहता हूं कि यहां पर एड नाउ का एड शो हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे अपने डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला कोड है इसको हम कॉपी करेंगे, ये हमें HTML टैग में रखना होगा। तो इसके लिए अगर आप Genesis थीम यूज कर रहे हैं तो आप थीम सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा थीम सेटिंग्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है हेड टैग, इसमें आप यहाँ पर एंटर करेंगे और पेस्ट करके पब्लिश कर देंगे। लेकिन अगर आप कोई और सा थीम यूज कर रहे हैं तब आप यहाँ अपीयरेंस में आएंगे, थीम एडिटर पर क्लिक करेंगे, इसमें यहाँ पर आप अपना थीम चूज कर लेंगे जो भी आप यूज कर रहे हैं सिलेक्ट। इसमें यहाँ पर आपको header.php फाइल मिल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें यहाँ पर देखिए हेड क्लोजिंग टैग लगा हुआ है, तो आप इससे ऊपर एंटर करेंगे और यहाँ पर वो कोड डालकर इस फाइल को अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पर जो पहला वाला कोड है इसको आप कॉपी करेंगे, ये आपको वहां पर रखना होगा जहां भी आप एड शो करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे केस में मैं पोस्ट के नीचे एड शो करना चाहता हूँ, तो अपीयरेंस में जाएंगे, विजेट्स पर क्लिक करेंगे, अपनी वेबसाइट की सभी लोकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि मुझे आर्टिकल के पोस्ट के नीचे रखना है तो आफ्टर एंट्री चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ से हम एक टेक्स्ट विजेट लेंगे और उठा करके आफ्टर एंट्री में रखेंगे या जहां पर भी एड शो करना है, और इसमें वो कोड पेस्ट करके सेव कर देंगे। बस आपको यही करना है कि इसमें जो सेकंड कोड है इसको आप रखेंगे HTML टैग में, HTML क्लोजिंग टैग से पहले पहले, और जो पहला वाला कोड है इसको आप वहां रखेंगे जहां भी आप एड शो करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाया है। इसके बाद जैसे ही आपको एड नाउ से अप्रूवल मिल जाएगा तो आपका एड वहीं पर शो होने लगेगा जहां पर आपने प्लेस किया है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं लोकेशन सेट हो गई है, लेकिन एड अभी नहीं आ रहा है, तो एड आएगा
जब आपकी वेबसाइट को अप्रूवल मिल जाएगा तो ऐड यहां पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर कहीं भी एड नाउ के एड्स को प्लेस कर सकते हैं। किसी भी टाइम नया एड प्लेस करने के लिए आप विजेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ एड विजेट पर क्लिक करके इसी तरीके से आप विजेट बनाएंगे और उसका कोड आप इसी तरीके से प्लेस करेंगे। इसके बाद है स्टैटिक्स, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके ब्लॉग पर कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने क्लिक आ रहे हैं और आपकी कितनी अर्निंग्स हो रही है। टोटल अर्निंग्स आपको यहाँ बैलेंस में भी शो होगी और हर महीने जो भी आप यहां पर पेमेंट मेथड सेट करेंगे उसी में ये पैसे विड्रॉ होते रहेंगे। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आप यहां लिंक पर क्लिक करेंगे। इसमें यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर, कंट्री और इसके बाद सेव। इसके बाद आपको पेमेंट मेथड पर क्लिक करना होगा। इसमें यहां पर आप चूज कर लेंगे आपको पेमेंट कैसे लेना है, जैसे कि पेपल, वायर, वेब मनी, ई पेमेंट्स। जैसे कि हम पेपल चूज कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे इजी है। यहाँ पर आप डालेंगे पेमेंट कि आपको कितने डॉलर्स का पेमेंट चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ $100। तो जैसे ही यहाँ पर $100 का बैलेंस हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली पेपल में विड्रॉ हो जाया करेगा। यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, कंट्री और इसके बाद नेक्स्ट। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया जाएगा कन्फर्म करने के लिए, तो आप अपने ईमेल में लॉग इन करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको ईमेल मिल जाएगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके इसको कंफर्म कर देंगे। देखिए यहाँ पर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, तो यहाँ पर पेपल लिंक हो चुका है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है एड नाउ को यूज करने का, अकाउंट बनाने से लेकर एड प्लेस करने तक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद आता है एडस्टेरा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें यहाँ पर आप अपना नेम और ईमेल आईडी डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन आप क्या रखना चाहते हैं, यूजर नेम यहाँ पर डालेंगे, इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। इसके बाद आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। आप कौन सा मैसेंजर यूज करते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, जैसे कि टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप यहाँ पर टेलीग्राम का अपना यूजर नेम डाल देंगे। इसके बाद पेमेंट आपको कैसे लेना है वो आप चूज कर लेंगे, इसमें आपको पेपल, वायर ट्रांसफर, पैक्सम, वेब मनी, बिटकॉइन सभी ऑप्शंस मिलते हैं, हम पेपल चूज करेंगे। पेपल ईमेल आईडी यहां पर डाल देंगे। इसके बाद यहां पर आपको अपनी वेबसाइट्स डालनी होगी, जैसे कि हमारे पास है ishanblog.com, तो इसका लिंक कॉपी करके यहां पर मैं डाल देता हूं। इसके बाद एंटर करेंगे, अगर आपके पास और भी वेबसाइट्स या ब्लॉग हैं तो आप यहां पर सबको डाल देंगे। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अभी यहां पर एक एरर है तो यहां से हम ईमेल आईडी हटा देते हैं, हम सिर्फ यहां पर अपना यूजर नेम रखेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको अपने जीमेल में जाना होगा वेरीफाई करने के लिए। इस तरीके से आपको ईमेल मिल जाएगा, आप कंफर्म ईमेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके साइन इन कर लेना है। लॉग इन करने पर सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट ऐड करनी होगी, जिसके लिए आप ऐड न्यू वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप वेबसाइट डालेंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ ishanblog.com। कैटेगरी चूज कर लेंगे किस कैटेगरी की ये वेबसाइट है, इसमें यहाँ पर हम अदर चूज कर लेते हैं क्योंकि ये ब्लॉग है। एड यूनिट आपको किस तरह का रखना है, यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ 300x250 pixel। इसमें कई तरह के एड्स होते हैं, जैसे कि एड्स विद साउंड, गेमलिंग एड, सॉफ्टवेयर एड, अलर्ट एड, तो इसमें से आप किसी भी तरह का एड यहाँ चूज कर सकते हैं। अब वेबसाइट को अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया गया है, जैसे यहाँ पर स्टेटस हो जाएगा अप्रूव तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट पर एड्स प्लेस कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ स्टैटिक्स पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके वेबसाइट पर कितने व्यूज आ रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है। पेमेंट पर क्लिक करके आप पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यहीं पर आप देख सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 30 सेकंड से भी कम में अप्रूवल मिल गया है, तो आप यहाँ ऑल कोड्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप गेट कोड पर क्लिक करेंगे कोड प्लेस करने के लिए अपनी वेबसाइट में। आप यहां से इस कोड को कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया है, अपनी वेबसाइट में जाएंगे, जहां पर भी आपको एड प्लेस करना है वहीं पर आप एक विजेट क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम जाते हैं डैशबोर्ड में, जहां पर भी एड प्लेस करना है यहां से एक टेक्स्ट लेंगे और उठा करके वहीं पर रख देंगे। जैसे कि मुझे प्राइमरी साइड बार में सबसे ऊपर रखना है तो यहाँ पर टेक्स्ट चूज करेंगे और यहाँ पर कोड प्लेस करके सेव कर देंगे। इसके बाद अपनी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ये एड शो होने लगेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एड शो होने लगा है। अब कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो इससे आपकी अर्निंग्स होने लगेगी। तो एडस्टेरा में बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट वेबसाइट ऐड करनी है और कुछ ही सेकंड्स में आपको अप्रूवल मिल जाएगा।
इसके बाद यहीं से आप ऐड कोड पर क्लिक करके और भी कोड्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी और साइज का विजेट ऐड करना है तो आप यहां से चूज कर लेंगे साइज, किस तरह के एड्स आपको रखने हैं वो आप यहां से चूज कर लेंगे। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कोड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद जस्ट यहां से आप कोड कॉपी करेंगे और जहां पर भी अपनी वेबसाइट पर आपको ऐड शो करना है वहीं पर आप उसको प्लेस कर देंगे। कुछ ही सेकंड्स में आप यहां पर देख सकते हैं ऐड नाउ के एड्स भी शो होने लगे हैं जो हमने सेट किया था। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड बाई ऐड नाउ, तो इस तरह से यहाँ पर हिंदी में एड्स आएंगे ऐड नाउ के, तो इस पर क्लिक्स ज्यादा आते हैं तो इससे अर्निंग भी ज्यादा होती है। तो ये दो ऐड नेटवर्क बहुत ही बढ़िया ऐड नेटवर्क है, इनमें आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है और अर्निंग भी काफी अच्छी होती है। तो आप गूगल एडसेंस के साथ भी इनको यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग में, और अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है तब भी आप इनको अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं और अपने ब्लॉग से आप पैसे कमा सकते हैं, आपकी मेहनत खराब नहीं होगी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।